नमो बुद्धाय, जय हिंद सब। संगम नमामि। सभी साथी जानते हैं कि अब जब कंसेप्ट देते हैं तो सभी साथी जान रहे हैं कि समर क्या है। लगभग तो लोग परिचित हो गए हैं समर शब्द से और संघ से, लेकिन अभी बहुत सारे साथी हमारे जो हैं वो अभी समर और संघ से परिचित नहीं हुए हैं। आज ही हमने अपने यहाँ फर्रुखाबाद में एक संगति भी की और साथ में जो मेधावी छात्र थे वो समर संघ की तरफ से उनको प्रमाण पत्र वितरित किया गया। बड़ी बच्चों ने हर्ष जताई और उन्होंने बच्चों ने पूछा कि ये समर क्या है, तो हमने उनको सारी चीज बताई, बहुत विस्तृत रूप में बताई कि समर क्या है। और वो लगभग 250 लोग वहां जुड़े हुए थे, तो सभी समर संघ से अब जुड़ गए हैं, क्योंकि 12 और 13 नवंबर में संगति होने वाली है समर संघ की संकिसा में, तो वहां की ये सूचना भी हमने वहां पे दी है और उनको सारी चीज बताई है, जो अपने गोल्डन 10 रूल्स हैं वो बताए हैं। सारी चीजें बताते हुए हमने पूरा उन्हों कंसेप्ट बताया था, तो सभी को और अच्छा कंसेप्ट लगा है और 100% वो लोग जुड़ गए हैं। श्री बहुत से साथी जो हमारे हैं जिनको नहीं पता है कि समर कहाँ से आ गया, कैसे पैदा हो गया, किस जगह से आ गया, किस किताब से उठ के आ गया, कहाँ था ये समर, कैसे आ गया, क्या पहले लोगों ने पहले क्यों नहीं आया, तो हम बताना चाहेंगे कि समर तो पूर्व से ही है। समर शब्द का खाली यहाँ आया है, अब समर शब्द तो बुद्ध काल में भी था। भगवान बुद्ध ने भी समर का पूरा विस्तृत प्रैक्टिकली सारी चीजें बताई कि समर कहाँ से आया, कैसे ऑन किया है, समर क्या चीज है। हम आपको पहले समर का ही बताते हैं कि समर शब्द कहाँ से आया है। समर शब्द की जानकारी हमको भी नहीं पूरी तरीके से थी। जब समर संघ बना, अभी जब प्रैक्टिकल में आया, जो मीटिंग्स जो हो रही हैं अपनी जूम मीटिंग्स में, उसमें जब समर शब्द का आया तो इस समर शब्द की हमने प्रयास किया कि ये कहाँ से आया। मैंने पूछा, कई लोगों से पूछा, लेकिन हमको उसका जवाब नहीं मिल पाया, तो हम खुद खोज किए, बहुत सारी किताबें पढ़ी। जब किताबें पढ़ी तो मेरे हाथ में एक इंडिका पुस्तक लगी। जब इंडिका पुस्तक हमने पढ़ी जो मगध सीस की है, उसमें समर का और बमर का पूरा विस्तृत विवरण दिया गया कि समर कौन थे, बमर कौन थे। बमर तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि बमर कौन कौन थे, लेकिन ये बमर सब बाहर से आए थे, समर यहीं के निवासी थे। अब कैसे थे ये हम आपको पूरी एक एक चीज आज बता देंगे, ये समर कैसे और कैसे कहाँ से आए हैं। आदिकाल से जब लोगों को ज्ञात हुआ कि मतलब वर्ग में बांटा गया, तो वो समर में आए। समर कौन लोग, समर जो में आते हैं वो 7 प्रकार के लोग आते हैं। अब भारत के निवास करने वाले सिर्फ 7 प्रकार के ही लोग थे उस समय, जो आज की डेट में 17 प्रकार के हो गए हैं, लेकिन वो पहले जो थे वो 7 प्रकार के ही थे। कैसे, मेगास्थनीज ने साफ साफ लिखा हुआ है भारत के बारे में, एक एक चीज उसने लिखी है। उसने लिखा है कि जो पहले एक नंबर पे आते थे वो दार्शनिक लोग हुआ करते थे, मतलब जिनको ज्ञानी भी कहा करते थे, इन्हें बहुत ज्यादा समाज का और सारी चीजों का ज्ञान था। जैसे उन्हें ये भी ज्ञान था कि मतलब कि पानी कब बरसेगा। पहले हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि हम बता सकते थे कि पानी कब बरसेगा, लेकिन उनको इतना ज्ञान था कि वो बता देते थे कि पानी जो है जो 2 माह के बाद बरसेगा, बरसात होगी, जिससे कि हम अपनी फसल को अच्छी तरीके से सींच सकते हैं और उसको फसल को उगा सकते हैं। तो ऐसे हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो दार्शनिक थे। पहले दार्शनिक वो जहाँ जहाँ जाया करते थे, पूरी खोज किया करते थे, पूरे पृथ्वी पे क्या क्या चल रहा है सारी चीज़ों खोज किया करते थे, उनको हम दार्शनिक कहते थे। और वो हमारे समाज के ही लोग थे, मतलब हमारे ही वर्ग के लोग थे,
हमारे हमारे ही पूर्वज थे। तो एक नंबर पे उनको लिया गया था, डोमेगास्टनीज ने लिया था, लेकिन सही मायने में भी वो एक नंबर पे थे, इसलिए उनको ये बात कहा गया। दूसरे नंबर पे हमारे जो आए थे वो कृषक भाई थे। कृषक मतलब खेती करने वाले, जो खेती से अनाज उगाते थे, जो खेत में हल चलाया करते थे, जो खेत को में बीज डालकर पौधे उगाया करते थे, जो खेत में बीज से हम लोगों को खाना दिया करते थे, वो लोग थे कृषक। आज भी कृषक हैं, और आज भी जितने भी कृषक हैं वो समर समाज के ही लोग हैं। अन्य कोई समाज का, बवर समाज का खेती कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं होता है। इसलिए आज भी जो कृषक हैं वो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे वर्ग के लोग हैं, हमारे समर्थन के लोग हैं। तीसरे नंबर पे उन्होंने लाए थे चरागाहे। भाई चरागाहे, बताओ कौन भैंसियां चरा चुरा सकता है? कौन अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के भेड़ों को ले जाके भेड़ों को ले जाया करके इस पहाड़ से उस पहाड़ तक जाया करते थे? तो वो हमारे वर्ग के लोग यह करते थे, हमारे समर संघ समाज के ही लोग यह करते थे। तो समर संघ तो उस समय का चल रहा है जब चरागाहे थे, उन्हें भी पता था कि हम समर लोग हैं, और वो एक दूसरे के साथ में जा करते थे। भेड़ें भी संघ के साथ रहा करती थी, एक साथ रहा करती थी, किसी का अधिकार नहीं चलता था। तो कृषक, इसके बाद चरागाहे, उसके बाद आते हैं कारीगर। वो कारीगर जो सेना के लिए औजार बनाते हैं उनको कारीगर कहते हैं। जो मशीनें बनाते हैं आज के युग में, जिसे बोलते हैं कलयुग में मशीनें बनाते हैं, तो वो भी हमारे लोग थे, वो भी समर संघ के लोग थे, वो भी समर के समाज के लोग थे। वो कारीगर जिन्होंने तलवार बनाना सीखा, कोई तलवार और नहीं बना सकता है, कोई आज की डेट में जो बंदूक बनाता और नहीं बना पाएगा, हमारे समर समाज के ही लोग वहां पर बंदूक तलवार अच्छी सब भाला सब बनाया करते थे। तो हम इतने पुराने हैं, इतना पुराना समाज हमारा साथ चला रहा, हमारा समर समाज चला रहा है, जिसको हम खो चुके थे और नहीं पहचान पाए थे, जिसको कि आज इस पटल पर लाया गया और लोगों को बताया गया कि भाई हम समर समाज के लोग हैं और हमें एकजुट रहना चाहिए, एक संघ में रहना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए। पता है कारीगर वो लोग थे जिनसे उस समय जो राजा महाराजा थे वो टैक्स नहीं दिया करते थे, तो उनका तो अमूल्य योगदान था उस समय। अगले जो उन्होंने पांचवें नंबर पर लाए थे वो योद्धा मतलब सैनिक, जिनके मतलब राज्य का पूरा धारो मदार अगर कोई संभाल सकता है, अगर कोई सुरक्षा दे सकता है, तो वो समर समाज के लोग ही दे सकते थे, क्योंकि उनका राज्य था, उनके ही राजा थे, उनकी ही प्रजा थी, उनके ही सब कुछ थे, उनके ही घरवाले थे। तो इसलिए जो योद्धा सैनिक थे वो अपने राज्य की सुरक्षा किया करते थे। भारत कोई छोटा मोटा तो देश है नहीं, ये तो उस समय महाभारत था, तो इसलिए इसकी सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आज अगर देखा जाए उससे भी बेहतर लोग नीति के अनुसार लड़ाइयाँ करते थे। हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहेंगे कि पहले जब युद्ध हुआ करते थे तो उसमें जो बगल का कृषक हुआ करता था, अगर वो वहाँ अपना काम कर रहा है तो वो अपना काम करता रहता था, उसकी फसल को नष्ट नहीं करते थे। आज तो आप देख रहे हैं कि बगल मतलब दूसरा व्यक्ति जो है लड़ाने में लगे रहते हैं, हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो लड़ाने में लगे रहते हैं और हमारी खेती को भी नष्ट कर देते हैं। तो पांचवें जो योद्धा थे वो बहुत ही बलवान बलशाली थे, और वो हमारे समाज के लोग, हमारे समर समाज के लोग थे। जो छठे नंबर पे आते थे जासूस, जिनको दूसरी भाषा में कहते हैं तो निरीक्षक। निरीक्षक मतलब जो चुपके से जाकर किसी सूचना को एकत्र करते हैं, उनको हम जासूस कहा करते हैं। तो वो काम सिर्फ हमारे समर समाज के ही लोग कर पाते थे, और उस समय अन्य कोई था ही नहीं। तो हमारे जो भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने ही पूरा निरीक्षण कर करके सूचनाएं ला ला के इस देश का निर्माण किया था।
इस देश को पूरी तरह से अगर बनाने वाले कोई हैं तो समर समाज के लोग ही हैं, और उन्हें उन्होंने उस समय राजा महाराजा जैसा पूरा राज राज किया था। जो लास्ट में जो सातवें नंबर पर आते थे उन्हें पार्षद कहा करते थे। जब उस समय राज्य हुआ करते थे तो उसमें पार्षद लोग हुआ करते थे, वो भी समण समाज के हुआ करते थे, और वो भी समण और समणी ही थे। उन्होंने हम इसीलिए कहते नहीं है, कभी कभी सुधीर सर कहते हैं कि हमको पिक्चर जो है वो 20 से सुनाई जाती है, 20 से दिखाई जाती है। सत्य बात है कि हमको पिक्चर आज तक जो भी दिखाई गई है वो 20 से ही दिखाई गई है, और कभी ये नहीं बताया गया है कि हम राजा महाराजा हैं, राजा महाराजा थे, हम राजा महाराजाओं के बच्चे हैं, ये हमको कभी नहीं बताया गया। इसीलिए नहीं बताया गया कि कहीं हम फिर से दोबारा जागृत ना हो जाएं। लेकिन आज वी द पीपल समर संघ जो है वो पूरा कंसेप्ट में यही बताता है कि हम हमारे पूर्वज थे वो राजा महाराजा थे, और उन्होंने बहुत सालों तक राज किया है, जो कि हमारे बीच में किसी प्रकार से छूट गया है। लेकिन अगर संघ के साथ में रहेंगे तो वो स्थितियां पुनः आ जाएंगी, लेकिन इसके लिए सभी साथियों को धैर्य रखना पड़ेगा, अपने आप में समझना पड़ेगा। अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई चीज देखते हैं, तो उसको अपने अनुसार देखें कि ये वाकई में किस तरीके से इसका पिक्चराइजेशन हो रहा है, कहीं हमारे विपरीत तो नहीं है, उसको अपने अनुसार समझें। अगर आप का पढ़ रहे हैं तो का को भी अपने अनुसार समझें कि का का क्या मतलब होता है। उन्होंने जो मैगजीन से उन्होंने सारी चीजें लिखी थी, एक एक शब्द लिख के रखा था, एक एक चीज लिख के रखी थी भारत के निर्माण के बारे में, कि भारत का निर्माण कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, जिसको बाद में नष्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर हम वो सच्चाई पढ़ लेते तो पहले ही हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने इतना गहन युद्ध किया, अध्ययन किया, तो उन्हें पहले ही इस चीज की जानकारी हो जाती और हम अपने देश पर पहले से ही कब्जा किए हुए बैठे होते, और ये जो बमण समाज के लोग हैं ये पहले से ही भाग गए होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने हमारे लिए बहुत किया, इतना करके गए हैं कि बाबा साहब ने तो सबको न्योछावर करते हुए हम लोगों को इस स्थिति पहुंचाया है कि आज हम लोग यहाँ पर बैठ के बात भी कर लेते हैं। साथियों, ये समर जो था वो हमने आपको आज पूरी व्याख्या दी है कि समर शब्द कहाँ से आ गया और कैसे आया, क्यों आया। ये समर शब्द ही बहुत पुराना है, इसीलिए इस संघ का नाम समर संघ रखा गया है। इसमें सारे सारे जो हमारे लोग हैं वो इसमें शामिल होते हैं, इसलिए समर संघ जो है एक विशालकाय संघ है, एक समुद्र है, जिसकी समुद्र की आज तक था नहीं कोई ले पाया है, उसी तरह समर संघ का भी कोई था नहीं है। इसमें जितने लोग जुड़ जाएंगे उतने कम हैं, जितने लोग इसमें कार्य करेंगे उतने कम हैं, और इसका निर्माण एक बहुत ही विशाल काय बनेगा जाके, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय और धैर्य रखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जो हमारे साथी नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ना पड़ेगा, हमें गांव से भी जोड़ना पड़ेगा, हमें शहर से भी जोड़ना पड़ेगा, हमें हर कीमत पर हर तरीके से हर लड़ाई लड़कर हमको इस संघ को आगे बढ़ाना है, तभी हम इस समर संघ को एक विशालकाय समुद्री रूप, आकाशीय रूप दे पाएंगे। साथियों, ये समर संघ जो संघ है ये हमने आपको पूरी व्याख्या दी है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि 12 और 13 नवंबर को एक 2 दिवसीय संगति उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद और मैनपुरी जनपद के बॉर्डर पर संखिसा, जहाँ पे बुद्ध भूमि है, क्योंकि जहाँ पे कहते हैं कि बुद्ध थे वो अपनी माँ से मिलने के लिए आए थे, मतलब मौसी से मिलने के लिए आए थे, वो जगह है। एक
वहाँ पे 15 लगभग बुद्ध विहार हैं, कई देशों के बुद्ध विहार हैं, बहुत से धर्म गुरु हैं वहाँ पे। वहाँ पर जो बात या प्रसंगति हो रही उसमें सभी साथी आए। अगर 2 दिन रुकेंगे तो उसमें अपना खर्चा, जैसे फिर संघ ने बताया गया है कि अपना जो भी खर्चा है उसमें करेंगे, तो उसमें 2 दिन रुकेंगे अगर, कमरे का किराया लोग प्रति व्यक्ति 300 रुपये प्रति दिन है, खाने का बहुत कम, 3 बार खाना मिलेगा सबको, उसमें 150 रुपये सिर्फ खर्च करने पड़ेंगे, उसमें चाय कॉफी भी एक्स्ट्रा में है सब मिलेगा। वहाँ पर अच्छे अच्छे व्यंजन आलू वगैरह भी मिलेंगे, आलू की कई डिशेस मिलेंगी, और वहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा उसके उसमें आपको बहुत ही मन को अद्भुत शांति मिलेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ आप एक संगति में आए हैं, इसका महसूस करने के लिए आप आए, और संघ आपका स्वागत करेगा, और संघ के अंतर्गत ही, संघ के नियम के आधार पर ही उसमें संगति होगी संघ के सामने। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। गच्छामि तृतीयम् पि बुद्धं शरणं गच्छामि।